चले गए एक और राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। बांस इलेक्ट्रिक का ये मैप आया है जी, वन वी फाइव यहाँ पे बैटर, ये न्यू प्लेयर किस तरीके से निकालेगा हेडशॉट यहाँ पे। अरे भाई ये वियतनाम का प्लेयर जैसे भी तो, अरे शॉट भाई ये क्या था, बहुत नहीं निकाल पाए प्लेयर से, वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है एक बार फिर से नीचे डैमेज हुए हेडशॉट। अरे एक राउंड में को लग रहे हैं एक मिनट से भी कम में निकाल दे रहे और तो गाइज रुको रुको आवाज आ रही है, आवाज वाला बटन चेक मत करो। तो नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है और आज गाइज लिटरली मैंने बहुत बार बोला है कि हम लोग नए प्लेयर को ला रहे हैं, नए पीसी प्लेयर को ला रहे हैं, बट जो ये प्लेयर रहने वाला आई थिंक मेरे को लग रहा है कि आप लंबे टाइम तक इस प्लेयर को याद करने वाले हो। क्यों, किस लिए? वैसे आप लोग बताइए कि एनजी गिल कितनी ज्यादा खतरनाक है, कहीं ना कहीं प्रो प्लेयर्स का घर है ये, चाहे हम लोग बात की जाए मूवमेंट गॉड की, चाहे एक्यूरेसी गॉड की बात की जाए, चाहे ऑलराउंडर प्लेयर की यहाँ पे, और चाहे गाइस अपने बॉडी प्लेयर टगारो की यहाँ पे बात की जाए, तो मतलब अपनी गिल बहुत ज्यादा खतरनाक जबरदस्त है और एक से बढ़ के एक प्लेयर है। और हमारी गाइस कहने के दो टीमें भी है, NG1 NG2, बट NG1 आपको पता है कि पिछले दो CS टूर्नामेंट जीती है। तो गाइस मैं कहने के जो ये प्लेयर आने वाला है जिसके बारे में बात करूंगा, आप लोगों ने क्लच स्टार्टिंग में देखा होगा, तो ये प्लेयर लिटरली गाइस वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर है अभी के टाइम में। तो क्वेश्चन ये कि हम लोग इसको रखे कहां, क्योंकि NG2 में टगारू से मैंने बोला तो टगारू ने बोला कि नहीं यार हम लोग जो प्लेयर्स हैं इन्हीं के साथ खेलेंगे और इन्हीं के साथ CS में भी प्रैक्टिस करेंगे, इसमें भी अच्छा करके दिखाएंगे। और NG1 ऑलरेडी वेल सेटल है, हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि पिछली बार जीता है, हर जगह कहने के BO3 हम लोग जीत रहे हैं। चलो आप लोगों को मैं प्लेयर से मिलाता हूं और आप लोग ही बताना कि उस प्लेयर का आखिर मोटिव क्या है। सी से बात करते हैं और गाइस ये जो प्लेयर है कहने के अच्छी अच्छी गिल्ड में यहाँ पे खेल चुका है, बट मौका चाहे एनजी दे ना दे फिर भी इस प्लेयर को एनजी में ही यहाँ पे आना है। चलेगा इसको मिलते हैं यहाँ पे एक खतरनाक प्लेयर से। वैसे बहुत बंदों ने गैस कर लिया होगा और गाइस इसके लिए हम लोग चैलेंज कुछ खतरनाक ही रखने वाले हैं, बट पहले मेरे क्वेश्चन रहेंगे। खत्री ब्रो वेलकम है तुम्हारा। ओके ब्रो थैंक यू, अभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है भाई, अभी तो ग्रुप में ही वेलकम किया गया है। ओके ओके ओके, तो भाई हमारे गाइस मजाक सेट के अब हमारे क्वेश्चन ये है कि तो खत्री भाई ऐसा क्या मोटिव है आपका कि आप गिल्ड में आना चाहते हो? नहीं देखो नॉनसे भाई मेरे को टीम वगैरह को तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि मेरे को अगर चांस मिलता है मैं तो अपना बेस्ट दूंगा भाई, ठीक है ना, बट मेरे को एनजी ज्वाइन करना। अद्भुत अद्भुत सोच है आपकी। अरे भाई तो भाई मोटिव क्या है मतलब इसके पीछे एनजी ज्वाइन करने, और सपोज करो हम लोगों ने NG1 में ऐड कर लिया, जो अभी मेरा मन है गाइस वही है कि हम लोग NG1 में ऐड करेंगे अगर वो चैलेंज कंप्लीट करते हैं जो मैं दूंगा, और NG1 में एज अ फिफ्थ प्लेयर, क्योंकि अभी यार चारों प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, कोई कमी नजर नहीं आ रही है, तो आप कैसे कंप्लीट करोगे जैसे आपको मौका मिलेगा, सपोज कि नॉट अवेलेबल नहीं हुआ, कोई प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हुआ? नहीं अगर मेरे को चांस मिलता है सर मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है ना, आपको मेरी तरफ से मतलब आपको देखने मिलेगा, मेरे हाईएस्ट के लिए देखेंगे। खतरी के क्लचेस भी देखेंगे कि कितने खतरनाक खतरनाक जबरदस्त जबरदस्त प्लेयर के अगेंस्ट में क्लचेस भी लगाए। तो भाई लोग हम लोग चैनल पे आ चुके हैं, खतरी के वीडियोस हम लोगों को कहीं ना कहीं नजर आ रही है बहुत सारी। चले पहले ये चेक करते हैं क्योंकि NG1 के अगेंस्ट जब यहाँ पे खेले थे खतरी काफी क्लचेस यहाँ पे अकेला, पहले यही देख लेते हैं अकेला बड़ बड़ी मछली को जाल में। हाँ ये वाला राउंड वो था जिसमें मैं कह रही कि एनजी प्लेयर्स को देख रहा था और लास्ट में पता चला कि भाई खतरी का क्वेड्रा खतरी ने मार दिया है जरूर यहाँ पे। चलो देख लेते हैं एक बार खतरी बादल भी वहां पे रोक होते हुए, चलिए देखने वाली बात रहेगी। और बट नहीं इस बार कहेंगे खतरी का भी क्वेड्रा यहाँ पे, अरे खतरी निकलते हुए दो प्लेयर के बीच में, अरे कमाल खतरी का ये ट्रिपल, बहुत ज्यादा उम्मीद रहने वाली है। PSB नो फिनिश, अरे मतलब प्लेयर की भाई स्विचिंग है, अरे कमेंट को भी एक्यूरेसी करते आ जा गजब। आसिम बंदा तेरे पास के कहने के लाइव का है तो चलिए ये भी देख लेते एक और पूरा ले लेना दूसरे को भी है। अरे मेरे पास आके पीछे से देख, अमन पीछे से, अरे कहाँ देख रहा है अमन थोड़ा पीछे देख, आ रहा है
भाई फुल जोश में भाई घुस के क्वाड्रा मार दी इसने भाई। बढ़िया एक ही बोलिए, एक ही बंदा है नीचे नीचे नीचे। अरे खतरी देख के दिख के एक बोलिए। अरे भाई देखो नो डाउट प्लेयर मैं पहले बोल चुका हूँ क्योंकि मैंने देखा है खुद अपनी टीम के अगेंस्ट खेलते हुए प्लेयर को। पता नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा है यार, गया गया। इस साला खटरी हेडी मारता है बहनचोद, जब भी मैं मार रहा हूँ भाई एक ओम कनेक्ट नहीं रही यार, एक ओम। चलो गाइज खतरनाक 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 करेंगे वर्सेस। आई थिंक ये क्या है, ये भी आई थिंक वांटेज है। कैन आई डू 1v3? चलो गाइस तो इतना ही देखना था क्योंकि वीडियो हो जाएगा फिर बहुत ज्यादा लंबा। नो डाउट यार ये बंदा बहुत खतरनाक खेल रहे, जबरदस्त। 1v6 में क्या ये कोई यहाँ पे रिकॉर्ड बनाते, किस तरीके से खेलता है? एक और मेरे को कहने के माइंड में भी आ रहा है, आप लोगों को सजेशन जरूर देना। प्लेयर के बारे में हर बार मैं बोलता हूँ कि आप लोग बताना अच्छा है कि नहीं, बट मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ ये प्लेयर गाइस नो डाउट खतरनाक है, बट मेरे को सजेशन इस बारे में चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे R1 भी है, लेविक्स भी है, ए स्टार भी है, शाहम भी है, तो क्या हम लोग एक और खतरनाक स्क्वाड यहाँ पे बना सकते हैं या फिर NG1 को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं विद 5 men? कभी कभी होता है एक प्लेयर नहीं चल पा रहा है तो हमारे पास एक और बैकअप रहेगा बहुत खतरनाक यहाँ पे, तो वही हम लोग देखेंगे। चलिए तो गाइस चैलेंज क्या रखा जाए, मेरे हिसाब से आई थिंक मेरे को लग रहा है कि 1v4 तो हम लोग सबसे कराते हैं। 1v आजकल बहुत सारे प्लेयर्स 1v5 भी कर रहे हैं, वो भी निकालना मुश्किल होता है, तो मैं सोच रहा हूँ इस प्लेयर का कराया जाए 1v6। खतरे ब्रो क्या चैलेंज के लिए रेडी हो? 1v6 इज बहुत इजी है नंश भाई, बहुत इजी है। क्या 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 और ये वैसे भी गिल्ड टेस्ट का मामला यहाँ पे रहने वाला है, और बाकी वैसे आई थिंक अभी FF में हो तो वहाँ से तो कोई इशू नहीं है ना, जैसे मतलब नहीं नहीं कोई इशू नहीं है। अंकुश भाई ने खुद बोला है कि जिधर से चांस मिलता है आप खेलो। हाँ यार देखो अंकुश भाई नो डाउट यार बहुत अच्छे दिल के, और आई थिंक यार मैं तुम्हारे लिए चैलेंज रखूंगा कि तुम सिंपल 1v6 निकालो। ओके क्योंकि 1v6 एटलीस्ट NG1 में आना है तो होना चाहिए, क्योंकि स्मूथ ने बहुत बार निकाल रखा है और कहने के किल्स का भी रिकॉर्ड बना रखा है, और तूफान का भी हो गया उसने भी इक्वल कर रखा है बिल्कुल रिकॉर्ड। तो अब खत्री को देखेंगे गाइस 1v6 बंदा बोल रहा है इजी निकालेगा, आखिर क्या ये रिकॉर्ड यहाँ पे रिकॉर्ड के आसपास या तोड़ पाएगा क्या? पहले तो 1v6 निकालना ही बहुत मुश्किल रहेगा। चले तो कस्टम में मैं एंट्री कराता हूँ गाइस, और अपोनेंट्स को बुलाते हैं और करते हैं गेम स्टार्ट यहाँ पे। तो गाइस आ चुके हम लोग यहाँ पे कस्टम में 1v6, यहाँ पे 1v6 क्या लिटरली मेजी रहता है इस प्लेयर के लिए, और फोर्थ प्लेयर है राधिका विशाल गिरे गब्रो, और सामने खत्री, और ये क्या भाई, ये क्या मतलब ड्रीम स्टार्ट है क्या भाई? पहले में पहला प्लेयर सामने दिखा और एक और प्लेयर को यहाँ पे हेडशॉट। ये खत्री प्लेयर से निकल रहे हैं, प्लेयर पीछे है यहाँ पे, बट शॉट पहला राउंड, ये क्या बाल बाल बचे है लिटरली। चलिए ओनली रेडियो एमपी था है, तो आई थिंक एक और नॉक यहाँ पे मिल जाएगा, चलिए यहाँ पे नजर आ रहा हूँ। बट चलेगा इस 3 player स्टिल, बट फिर से UMP यहाँ पे और फिनिश करते हुए एक और प्लेयर को। 1v2 का ये बैटल फर्स्ट राउंड से निकल लग रहा है, कोई नहीं इजी पीजी यहाँ पे निकाल सकते हैं, और पानी में नीचे आ चुके हैं, जोन भी यहाँ पे श्रिंक होता हुआ शुरुआत। और अगर तुम देखो यार कहीं पे भी ऐसा लगा नहीं है, ओहो बाल बाल बचे हैं, कहीं पे अगर हम लोग देखे ऐसा लगा नहीं है, अभी 1v6 खेल रहे हैं कि 1v6 ही खेल रहे हैं यहाँ पे या 1v3? ओके चलिए लास्ट प्लेयर, इतना प्यार से यहाँ पे एक एक प्लेयर को ले रहे हैं, हर एक प्लेयर को टाइम यहाँ पे लिया है,
फिनिश किया और फिर भी टाइम बच गया लास्ट प्लेयर और इसको भी आपे फिनिश कर दिया। वो फिर से हेड भाई, तीन हेडशॉट लगातार, चार हेडशॉट, कमाल कर रहा है ये प्लेयर MP40 से। कनेक्शन पहला नहीं बट इसके साथ में चले गए। देखो राउंड की तरफ बढ़ते हैं, मेरे को नहीं लगता कि इजी रहने वाला है जिस हिसाब से प्लेयर, ओ पहला नॉक, जिस हिसाब से प्लेयर्स वन टैप खेल रहे हैं वहां पे। देखो अरे 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 भाई, ये तो जो बंदा सामने था पर्पल वाला लग रहा था उसको मार रहे थे और कनेक्शन बना है किसी दूसरे प्लेयर को, खतरनाक है जरूर। और एक प्लेयर तो भाई सोनिया के साथ नजर आ रही है, चलिए एमपी से इस प्लेयर के साथ बूम बाम यहां पे करते हुए। और तीन प्लेयर यहां पे लेफ्ट बचे हैं और यार कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है कि हार्ड यहां पे, पिछले एक वन टैप लगा था अदरवाइज उसके साथ इस राउंड में भी शुरुआत इस प्लेयर ने इसी तरीके से। ये क्या था, ये तो कहीं ना कहीं आवाज यहां पे आई भी नहीं भाई, बंदे को हेड मारा है और जैसे कॉन्फिडेंट तो मारते ही वहां पे चल दिया। और लो भाई इसको भी आप हेड कनेक्ट करते हुए ये भी फिनिश होंगे। अब कहीं ना कहीं लास्ट प्लेयर बचे और खतरे बर्ड जोन में फंस गए यहां पे बेटा। 25 HP भाई, ये तो मेरे को लग रहा है लड़ने से पहले ही शायद यहाँ पे फिनिश ना हो जाए। और लीजिए जो हम लोग बात कर रहे थे वहीं पे रह गए और ये राउंड निकालते हुए खत्री एक रहे, शायद मेरे को लग रहा है खत्री का क्या यहाँ पे हैक क्रैश हो गया। अरे 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 ये क्या, बैक टू बैक दो हेड और दो शॉट और सीधा दो हेड से प्लेयर को नॉक करते हुए। और प्लेयर पीछे स्विचिंग कर रहे हैं बट अभी दम सब यहाँ पे दिखाया, स्विचिंग ने भी मूवमेंट ने भी एक्यूरेसी में से तीन में से दो राउंड। प्लेयर अब एक साथ रश कर रहे हैं और एक और प्लेयर को नॉक। MP40 का इस्तेमाल मेरे को काफी परफेक्ट लग रहा है। एक और प्लेयर बैक टू बैक यहाँ पे नॉक और भाई कमाल भाई, ये हेडशॉट चाहिए हमें यहाँ पे, हमें नजर आ सकते हैं बट कॉन्स्टेंट HP उनके साथ है, हील वहां पे हो चुके हैं। कहने के डरा घबराया होगा बट शुरुआत गाइस लिटरली खत्री ने क्या करी है, खत्री निकले और ये हेडशॉट लगाते हुए। भाई ये राउंड कुछ अलग ही निकाला है यहाँ पे खत्री ने, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा एनिमी को कि तुम्हारी लोकेशन कहाँ पे है प्लेयर। कमाल कमाल, अरे ओके ओहो ये राउंड, और मैं वही सोच रहा हूँ बिल्कुल राइट से स्टार्ट किया यहाँ पे। और ये तो भाई देखो ये राउंड में बहुत ओपन जगह है, ज्यादा मुश्किलें शायद ही खतरे के लिए। और पीछे प्लेयर आए हैं और नॉक करते हुए MP40 कमाल यहाँ पे कर रही है। ओके दोनों ही लग रहा था, दोनों ही प्लेयर कनेक्शन नहीं बैठा रहे हैं बट वो शॉट कनेक्ट करते हुए खतरी के सामने। अब यहाँ पे सिर्फ तीन प्लेयर और इसको भी यहाँ पे हेड। अब ये बैटल 1v2 का और भाई देखो चले गए लास्ट प्लेयर बचे हैं, हेड यहाँ पे कनेक्ट हुआ था, काफी टाइम यहाँ पे लग रहा है बट अभी खतरी फिनिश करते हुए और 1v6 ऑलमोस्ट निकाल लिया भाई इस बंदे ने। ये देखने वाली बात रहेगी, शॉट यहाँ पे मिस जरूर कर रहे हैं, एक प्लेयर को शॉट लगाया अंदर घुसे और आई थिंक अब शायद क्या यहाँ पे नॉक होंगे, बचे हैं बट सामने और भी दो प्लेयर उनको मिले। कहीं ना कहीं बंदा मूव कर रहा था, मुश्किल होता है जब प्लेयर मूव करता है हेड लगाना। अरे बट गबरू को हेड देते हुए ओपन में नहीं दिया है, 1v5 आई थिंक यहां से राउंड निकालना भाई लिटरली ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाएगा। ओके एक प्लेयर को रॉक किया है, एक प्लेयर और फिनिश भी होते पे सोनिया का वो यहां पे जिया जो कैरेक्टर था। अब बचते हैं यहां पे चार प्लेयर, खतरी एक और प्लेयर को फिनिश करते हुए। गाइस कहने के सब प्लेयर्स को एडम के लिए यहां पे बोला था, एक प्लेयर यहां पे सोनिया लगाते हैं और सोनिया पे जब वो नॉक होते हैं तो उसके बाद ट्राई भी नहीं करते और यहां पे हेड। और अपोनेंट का भी अगर आपने देखा होगा दोनों प्लेयर बाहर सेम टाइम पे आए थे, अपोनेंट भी ऐसा नहीं कि जोन में बंदा जा रहा है तो मार रहे हैं उसको। अरे पिछले राउंड में खतरी का पलटा भारी था, ओ हो 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 खतरी का कहने के पलटा भारी था, खून निकाला अपोनेंट ने। एक और प्लेयर पीछे है, चलिए हियर वी गो 1v5 का भी यहां पे बैटल। और ये राउंड MP पे
टीएमपी से खेल रहे हैं कि MP40 से राउंड निकालेंगे। दो प्लेयर को वहां पे फिनिश किया है। Let's see, here we go, 1v4 better, और एक और प्लेयर को नॉक करते हुए खतरे जी हाँ लग रहे हैं। अनस्टॉपेबल यहाँ पे बैक टू बैक फिनिशेस यहाँ पे निकाल रहे हैं और मात्र दो प्लेयर बचे हैं, राउंड उनके हाथों में जा सकता है यहाँ पे। अरे 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 भाई इतना डैमेज, बाद भी बंदा नहीं मरा है, बट इसको भी नॉक करते हुए लास्ट प्लेयर पे रश कर रहे हैं। जी हाँ लास्ट प्लेयर पे रश, किधर गए ये बंदा, वेट किया, अब यहां पे रश करते हुए ओपन में है और फिनिश इसको भी। भाई दूसरी तरफ देख रहा था वो बंदा। चले गए, देखो राउंड यहां पे स्टार्ट हो चुके हैं। मास इलेक्ट्रिक का ये मैप आया है और चलिए इंस्टेंट कहने के नॉक यहां पे लेते हुए खतरे इस गेम की भी शुरुआत। ओके गाइस, खतरे के लिए वन वी फाइव यहां पे बैटर, ये न्यू प्लेयर किस तरीके से निकालेगा हेडशॉट यहां पे। अरे भाई बैक टू बैक यहां पे ये भी तीन प्लेयर बचे। लेट्स सी बढ़िया क्या खेल रहे हैं MP40 से, बिल्कुल लग रहा है क्या ये वियतनाम का वो प्लेयर जैसे MP से। ओरे शॉटगन भाई ये क्या था भाई, बहुत कम 1v6 में इस तरीके से राउंड देखने के लिए मिलते हैं। स्टार्टिंग में कहने के उतना लाइक जैसे बैक टू बैक फिनिशेस होते हैं या बैक टू बैक नॉक नहीं निकाल पा रहे थे, एक एक करके प्लेयर को ले रहे थे। ओके पहला नॉक निकाला है यहाँ पे और एक और प्लेयर को नॉक, चलिए बट नहीं इस बार बहुत ही लो HP। जी हाँ मेरे को लग रहा है हर राउंड के बाद इस बंदे का जो गेम है ना वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से निकले हैं, प्लेयर डैमेज हुए, इसको भी हेडशॉट। व्हाट, अरे इसको कैसे मार दिया, दिखा भी नहीं भाई वो बंदा कहने के विजिबल भी नहीं हुआ। भाई ये बंदा 1v6 एक राउंड में को लग रहा है एक मिनट से भी कम में निकाल दे रहा है और गेम को अपने नाम कर लिया यहाँ पे। तो गाइस नो डाउट खतरे को हम लोग गिल्ड में ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। कितने किल्स किए, 47, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा क्लोज था बंदा रिकॉर्ड के।